नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मुंबई में अमित शाह की सुरक्षा में चूक, आंध्र प्रदेश के एमपी का पीए बताकर घंटों आसपास घूमता रहा शख्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रशांत किशोर के बयान पर बोले नीतीश, कहा बीजेपी में जाने का मन होगा इसलिए कर रहे हैं ऐसी बातें। आतंकी याकूब की कब्र पर भाजपा का उद्धव से सवाल, सैकड़ों लोगों की मौत के जिम्मेदार को इतना सम्मान, कब्र पर मार्बल लगवा दिया। अक्टूबर से जनवरी तक चलेगा मंत्रियों के प्रवास का दूसरा दौर, 50% सीटें जीतने का लक्ष्य। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने 9 देशों के राजदूतों से की मुलाकात, विभिन्न पहलुओं पर हुई बातचीत। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त टिप्पणी, किसी भी को भी हिजाब पहनने की मनाही नहीं, सवाल स्कूलों में पाबंदियों का है। लोकसभा चुनाव में 2024 के 350 के लक्ष्य को पाने में कोताही बर्दाश्त नहीं, अमित शाह की मंत्रियों को चेतावनी। महाराष्ट्र में सांसद नवनीत राणा को थाने में हंगामा, लव जिहाद केस में पुलिस एक्शन में देरी पर भड़की। बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश का रेड अलर्ट, आईएमडी ने कहा 5 दिनों में बदतर होगी स्थिति। सोनाली फोगाट की बेटी से मिलने केजरीवाल पहुंचे, बोले सीबीआई जांच में जितनी देरी होगी उतना ही ज्यादा शक पैदा होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, राहुल गांधी बोले बीजेपी सरकार की सोच अंग्रेजों जैसी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा में भूकंप के झटके, रिएक्ट स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बनेगी ग्रीन बेंच, जस्टिस चंद्रचूड़ की वकीलों से अपील, अगली सुनवाई में कोई भी कागज न लाए। बेंगलुरु की सबसे महंगी सोसाइटी एप्लीसॉन, डिवीड, विप्रो, बायजूस, बिग बास्केट जैसी कंपनियों के मालिकों के घर हैं। पूर्व कांग्रेसी मंत्री का जेल ज्ञान, साधु सिंह धर्मसोत बोले अपने परायों का पता चल जाता है, करप्शन केस में 90 दिन बाद रिहाई। गाजीपुर में तेज रफ्तार कार ने 3 को रौंदा, 4 लेन के किनारे टहल रहे थे, कार में मिली शराब की बोतल, ड्राइवर फरार। जर्जर भवन से लाचार आयुर्वेद अस्पताल इटावा में, 25 शैया अस्पताल में 16 वर्षों से कोई मरीज नहीं हुआ भर्ती। चंदौली में 65 लाख की अवैध शराब बरामद, दवा की बिल्टी के आड़ में हो रही थी तस्करी। बल्दीराय एसओ की कोर्ट में मजबूत पैरवी, गैर इदारतन हत्या के प्रधान समेत 3 को करवाया था सजा। मथुरा में रफ्तार का कहर, बेकाबू कंटेनर घुसा पुलिस चौकी में, बाल बाल बचे 4 पुलिसकर्मी।
यूपी पुलिस में 11 आईपीएस अफसर का ट्रांसफर, शफीक अहमद बने एसपी प्रशिक्षण निदेशालय। शाहजहांपुर में स्कूल बस ने दो छात्रों को मारी टक्कर, एक छात्र की मौत, दूसरा घायल, परिजनों ने बस में की तोड़फोड़। पीलीभीत में मैकेनिक ने जहर खाकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखा, गांव के दो लोग कर रहे थे उत्पीड़न। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के खिलाफ खड़ा हुआ पूर्व ब्लॉक कोऑर्डिनेट, बोला स्वच्छ भारत मिशन में फैला रही भ्रष्टाचार की गंदगी। सहारनपुर में मेला गुगाल में श्रीकृष्ण की रासलीला में डूबे दर्शक, वृंदावन से आए रासमंडल के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। फर्जी नर्सिंग होम सील, मुरादाबाद में खुद को एमबीबीएस बताकर फर्जी डिग्री धारी चला रहे थे फैमिली नर्सिंग होम। कस्टडी में हालत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर पहुंचा युवक, परिजन बोले पुलिस ने दी थर्ड डिग्री, आरोपी का था कोर्ट में पेशी। सुल्तानपुर में ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले दो युवकों की मौत, बर्थडे पार्टी में लौटते समय खाई में पलटी बाइक। अयोध्या में फिर दिखा जंगली जानवर का खूनी पंजा, कैंट क्षेत्र में एटीआर रेंज के पास मिले निशान, वन विभाग ने जांच शुरू की। उन्नाव में अघोषित बिजली कटौती को लेकर हंगामा, उपभोक्ताओं ने कर्मचारियों को घेर कर की धक्का मुक्की। बागपत में तार जलाकर वायु प्रदूषण करने वाले दो गिरफ्तार, तार से तांबा निकालने के लिए जंगलों में जला रहे थे। कार से अफीम की तस्करी करने वाले दो गिरफ्तार, शाहजहांपुर पुलिस ने 75 लाख रुपए की अफीम की बरामद। महापंचायत में किसान आंदोलन का इशारा, राकेश टिकैत बोले किसान अपने ट्रैक्टर में लगवाए बम्पर, आंदोलन में यही ट्रैक्टर बनेंगे टैंक। फ्लाईओवर से 20 फुट नीचे गिरे दो लड़के, पुलिस बोली तेज स्पीड बाइक पर स्टंट कर रहे थे, दोनों साइड वॉल से टकराए। फर्रुखाबाद पुरानी रंजिश में मारपीट, तीन घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को लोहिया अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में ओपन बार पर चला पुलिस का डंडा, खुले में शराब पी रहे थे, 836 पर कार्रवाई, लगातार चलेगा अभियान। फर्रुखाबाद में तीन तालाब के पास मिला युवक का शव, पहुंचे पुलिस, शव को कुत्ते ने भी खाया, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। उन्नाव में अपनी सरकारी आवास में बेहोश मिली महिला सिपाही, पड़ोसियों ने कराया अस्पताल में भर्ती। भदोही में बच्चा चोर समझकर महिला को किया निर्वस्त्र, हाथ पकड़कर बाइक से उतारा, मारपीट कर खींची साड़ी। नोएडा कैलाश अस्पताल में तीरमारदारों ने किया हंगामा, महिला की हालत बिगड़ी, सांसद हाथ जोड़कर बोले जिंदा भेजने की गारंटी। रुपए और मोबाइल छीनकर की फायरिंग, वाराणसी में बाइक सवार चार बदमाशों ने मछली विक्रेता के साथ की लूटपाट।
बलिया के विद्यालय में छात्र साफ कर रहे शौचालय, प्रधानाध्यापक ने कहा साफ करो शौचालय नहीं तो शौच के लिए घर जाओ। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई करते समय महिला की साड़ी में लगी आग, गंभीर रूप से झुलसी महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती। अमरोहा के गजरौला में फिर दिखाई दिया तेंदुआ, ग्रामीण दहशत में कार की जगह होती बाइक तो जाती हो जाती बड़ी घटना। देवबंद में मजदूर की गोली मारकर हत्या, देर रात काम कर रहे साथियों संग लौट रहा था घर, दो लोगों ने सभी पर किया फायर। उत्तराखंड में एसडीएम संगीता कन्नौजिया के एम श्री ऋषिकेश में मौत, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से हो गई थी घायल। उत्तराखंड में 12 जवानों को ले जा रही आईटीबीपी की बस खाई में गिरी, राहत बचाव कार्य जुटी। उत्तराखंड विजिलेंस की जांच, वन मुख्यालय में हलचल, आईएएस अफसरों में लगातार पूछताछ जारी। कोरोना से राहत तो अब डेंगू से निपटने की चुनौती, 5 जिलों में प्रकोप सामने आ चुके 192 मामले। उत्तराखंड नियोजन विभाग की बैठक, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल व गैरसैंण में 100 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले बसपा नेता पनियावाला और जिलाध्यक्ष चुड़ियावाला भाजपा में हुए शामिल। उत्तराखंड पेपर लीग में उलझे अधीनस्थ, उत्तराखंड में सड़कों पर बेरोजगार युवा, भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लोग कर किया सचिवालय, कुछ पुलिसकर्मियों की हुई नुकझोंक। उत्तराखंड में वित्तीय अनियमितता का मामला, हरिद्वार के बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट का नोटिस। उत्तराखंड में कोरोना के 53 नए संक्रमित मिले, एक मरीज की मौत घटकर 387 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। उत्तराखंड सीएम धामी ने सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस पे कसा तंज, का दोहरा चरित्र दिखा रही है पार्टी। उत्तराखंड एआरटीओ आनंद जायसवाल को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार, चालान की धनराशि में गबन करने का है आरोप। उत्तराखंड के कुमाऊं में गरज के साथ पड़ सकती है तीव्र बौछार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। काशीपुर में लेन देन के विवाद में दो पक्षों में चले धारदार हथियार, पहले घर में घुसे फिर बाहर खींचकर किया हमला। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में तैनात होंगे 10,000 हिम प्रभारी, केंद्र को प्रस्ताव भेजा। अमेरिका के सबसे घातक F-35 फाइटर जेट में मिली चीन चुंबक, घबराए पेंटागन, सभी विमानों को डिलीवरी रोकी। दुनिया भर में आतंकियों के शिकार बने लोगों को श्रद्धांजलि, आज और कल गुटेरेस ने बुलाई वैश्विक कांग्रेस।
पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, बोले समुद्र की तरह दिख रहा है पाकिस्तान। महिला जज के खिलाफ बयान पर इमरान ने जताया खेद, बनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज हमजा ने दायर की याचिका। टोक्यो में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तर की वार्ता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया हिस्सा। यूएस के मेम्फिस में फायरिंग, दो की मौत, आरोपी ने महिला को गोली मारकर कार छीनी, स्टोर में फायरिंग की। पाकिस्तान में बाढ़ से हिस्टोरिकल प्लेस को खतरा, 4500 साल पुराने पुरातत्व स्थल सिंध प्रताप सबसे ज्यादा तबाह। हमने कुछ नहीं खोया, जारी रहेगा सुनी सैन्य अभ्यास, व्लादिमीर पुतिन ने बताया यूक्रेन युद्ध का भविष्य। पुतिन ने दी गैस आपूर्ति रोकने की धमकी, अमेरिका बोला ऊर्जा को हथियार बना रहा है रूस। दो तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए समृद्धि लाने में की दिशा में काम होगा, अमेरिका में बोले पीयूष गोयल। एप्पल के नए फोन और वॉच लॉन्च, कंपनी ने आईफोन 14 सीरीज के 4 मॉडल पेश किए, इसकी शुरुआती कीमत 89,900 है। ₹3 सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $92 प्रति बैरल पहुंचा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौता जल्द, पीयूष गोयल ने बताया देश को होगा ये फायदा। ₹182 करोड़ के फर्जी आईटीसी मामले में बड़ी कार्यवाही, रोबेस्ट्रोल के निदेशक गिरफ्तार। एचडीएफसी बैंक ने फिर बढ़ाई कर्ज का ब्याज दरें, होम कार पर्सनल लोन होगा महंगा। सोने चांदी में तेजी जारी, सोना 51,000 और चांदी 54,000 के करीब पहुंची, आगे और बढ़ सकते हैं दाम। एलन मस्क ने ट्विटर पर कसा तंज का, मेरे अकाउंट पर कमेंट करने वाले में से 90% हैं बोट्स। मौजूदा माहौल में ऊर्जा सुरक्षा की दरकरार, निर्मला सीतारमण बोली युद्ध के चलते बिगड़े हालात। प्रसार भारती की सीईओ बोले दूरदर्शन और आकाशवाणी सबसे विश्वसनीय मीडिया, टीआरपी से मतलब नहीं। उद्योगपति अदाड़ी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित, उनके दूरदर्शी नेतृत्व को सराहा गया। आसिफ अली और अफगानिस्तान के गेंदबाज के बीच हुई लड़ाई को देखकर शोएब अख्तर भड़के, कहा यह बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं। नसीम शाह के कारनामे को देखकर बाबर आजम की खुशी का ठिकाना न रहा, बोले जावेद मियादाद के छक्के की याद आ गई। नसीम शाह का आया तूफान, लगातार 2 छक्के जड़कर तोड़ा अफगानिस्तान का दिल, फिर मैदान में ऐसे मचाया धमाल।
बाबर आजम के फॉर्म को लगा ग्रहण, एशिया कप में फिर हुए फेल, गोल्डन डक पर आउट होकर बनाया रिकॉर्ड। काउंटी चैंपियनशिप में शुभमन गिल का डेब्यू धमाका, पहले मैच में ही जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक विकेट से हराया, नसीम शाह ने दो गेंद पर दो छक्के लगातार जीत दिलाई। अफगानिस्तान पाकिस्तान मैच के बाद मारपीट, स्टेडियम में फैंस ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। शमी को टीम में मौका ना देने से हारा भारत, कोच बोले आईपीएल में जिसने अपनी टीम को चैंपियन बनाया आपने उसे बाहर कैसे कर दिया। ग्रीन पार्क में सचिन की नेट प्रैक्टिस, यूसुफ ने की बॉलिंग, बॉलीवुड नाइट में नोरा की जगह आ सकती है मलाइका या सनी लियोन। तीन साल बाद एलेक्स हेल्स की वापसी, ड्रग्स लेने के कारण टीम से हुए थे बाहर, अब बेयरस्टो की जगह टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। कुणाल कोहली ने शुरू की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग, श्लोक द देसी शेरलॉक में नजर आएंगे बॉबी देओल। रणबीर कपूर के डीएनए में बसाए ब्रह्मास्त्र, बोले हमारी शादी के दिन भी हम सिर्फ फिल्म के बारे में ही बात कर रहे थे। तिहत्तर साल के हुए राकेश रोशन फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, ऋतिक रोशन ने शेयर किया वीडियो। आशिकी 3 की र्यूमर्स पर अनुराग बासु ने तोड़ी चुप्पी, कहा अभी तक फिल्म की कास्ट नहीं हुई है फाइनल। अल्लू अर्जुन बने इंडिया के तीसरे हाईएस्ट पेड एक्टर, पुष्पा 2 के लिए चार्ज किए 125 करोड़ रुपए, 450 करोड़ के फिल्म का है बजट। धनश्री वर्मा ने शेयर किया नया वीडियो, दिखाई चोट लगने से लेकर सर्जरी तक की जर्नी का आईएमएल चैंपियन। बॉलीवुड के लिए साल का आखिरी बड़ा दांव, ब्रह्मास्त्र पहले दिन 1.25 लाख की टिकट एडवांस बुकिंग, 150 करोड़ के सिर्फ वीएफएक्स। रेखा के गाने पर थिरकी जानवी कपूर, दिल चीज क्या है गाने पर दिल कर खोल कर किया डांस, मूव्स में दिखे कमाल। सारा अली खान ने शेयर किया मजेदार वीडियो, सड़क पर अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ टिंकू जिया गाने पर किया डांस। लाइगर ने दिया डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ को बड़ा झटका, फिल्म फ्लॉप होने की वजह से वापस हैदराबाद लौटने का मन बना रहे हैं। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।